आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि धामन नाके पे गनी कंपाउंड शमनगर में एक पुरानी बिल्डिंग धराशायी हो गई। इस बिल्डिंग के गिरने की वजह लोग जो बता रहे हैं वो तेज बारिश है। अभी बारिश का मौसम सही से शुरू भी नहीं हुआ है और तेज बारिश हर एक दिन थोड़े थोड़े घंटे हो रही है, लेकिन उस तेज बारिश की वजह से भी जो पुरानी जर्जर बिल्डिंग है वो धराशायी होती हुई नजर आ रही है। अच्छी बात तो ये है कि इसमें कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इसमें मौजूद जो कारखाने थे और जो मेडिकल एजेंसीज वगैरह थी, जो रूम थे, वो इस वक्त खाली थे क्योंकि त्यौहार था और त्यौहार की वजह से ये पूरी की पूरी जो दुकानें थी और कारखाने जो थे वो बंद थे। इसकी वजह से कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। अगरचा आम दिनों में ये हादसा होता तो हो सकता था कि कई जानी नुकसान हो सकता था, लेकिन महानगर पालिका को चाहिए कि ऐसी तमाम जर्जर जो ज़मीनें हैं उसे जल्द से जल्द धराशायी कर दें, तोड़ दें, जमींदोज कर दें, वरना आने वाले दिनों में ऐसी बहुत सी बिल्डिंगें हैं भिवंडी शहर में जहाँ पर ऐसे बड़े हादसे हो सकते हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह से पूरी की पूरी जमीन है वो जमींदोज हो चुकी है। ये इंसिडेंट हुआ है और क्या हुआ है? ये गनी कंपाउंड शमनगर के पीछे है। ये बिल्डिंग टूट रही थी और अचानक आज सुबह ये बिल्डिंग पूरी तरह से कोलैप्स हो गई है। अचानक मतलब मैं और एक लड़का, हम लोग यहीं खड़े थे, पानी कहाँ से आ रहा है नहीं दिख रहा था। ये आगे का हिस्सा पूरा नीचे गिर गया। ये मेडिकल एजेंसी थी, आगे एक रूम था, आज त्यौहार के हिसाब से बंद था पूरा। किसी का मतलब वो नुकसान नहीं हुआ, पर ये है पूरा दीवार तोड़ के पूरा अंदर घुस गया है। मेडिकल एजेंसी है और ये पूरा अंदर उसके मिट्टी भर गई है। अंदर पूरा ये भोगदा हो गया है, माल पूरा सब कुछ अंदर घुस गया है। ये अभी कैसा है ना, आगे का हिस्सा गिरा है, पीछे का भी पूरा कमज़ोर हो गया है। ये मतलब अगर बारिश और घंटा दो घंटा हुई तो वो भी पूरा अपने आप गिर जाएगा, उसको गिराना ज़रूरी हो गया है।